हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो कल आप लोगों का दिसंबर 2022 ज्योग्राफी का यूजीसी नेट ज्योग्राफी का एग्ज़ाम है। एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, जो सब लोग शिद्दत से प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिन लोगों ने फेबरवरी वाले अटेम्प्ट को अपना टारगेट बनाया था। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। और जो लोग आगे के एग्ज़ाम्स को अपना टारगेट बना रहे हैं, वो भी इस एग्ज़ाम को अच्छे से ही दीजिए, ताकि आपको एक एग्ज़ाम की वाइब पता पड़े, एग्ज़ाम का एग्जामिनर्स माइंडसेट पता पड़े। तो आप भी दीजिए। और जस्ट रिमेंबर कि इस साल हमारे पास 3 अटेम्प्ट मिल रहे हैं, तो अभी आपको रिज़ल्ट के बारे में नहीं इतना सोचना है। जो भी फेब के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, जून के लिए भी कर रहे हैं और दिसंबर के लिए भी कर रहे हैं, साल में अटेम्प्ट हमें ऑलमोस्ट कल के बाद 2 अटेम्प्ट और मिल रहे हैं इस साल। तो एज आई ऑलवेज से, जस्ट बिलीव इन द प्रोसेस, नॉट ऑन द आउटकम। कल जब एग्ज़ाम आप देने जाएंगे, तो आप ये मत सोचिएगा कि मेरा एग्ज़ाम कैसे होगा, ठीक है? आप ये सोचिएगा कि मैं एग्ज़ाम कैसे दूंगा। इन दोनों में फ़र्क है। आप अगर ये सोचने लग जाएंगे कि मेरा एग्ज़ाम कैसे होगा कैसे होगा, तो आधी एनर्जी आपकी वहीं कंज्यूम हो रही है। आपको ये सोचना है कि मैं एग्ज़ाम कैसे दूंगा, कि क्वेश्चंस अगर आ रहे हैं ऐसे जो मुझे नहीं आते, तो उससे मेरे दिमाग का मेंटल स्टेट मुझे लूज़ नहीं करना है, मुझे एक अच्छी स्पीड रखनी है, राइट? और नेगेटिव मार्किंग नहीं, तो मुझे सब कुछ अटेम्प्ट करके आना है ना? जिन क्वेश्चंस में मुझे थोड़ा सा डाउट है, उसको मुझे समय लेना है, या उसको रिव्यू के लिए छोड़ देना है, फिर थोड़ा उसके लिए मुझे समय लेना है और आगे बढ़ जाना है, वहीं पर फ्रीज नहीं हो जाना है। ये एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो हम सब लोग करते हैं। क्वेश्चन हमें 50-60% आता है, लेकिन हम क्या करते हैं कि यार मुझे आ रहा है नहीं, मुझे तो अभी देना है इसका आंसर। टाइमर चल रहा होता है, आपको वो भी देखते हुए थोड़ी सी एनजाइटी होती है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, इसीलिए यूजीसी ने, एनटीए ने एक रिव्यू का ऑप्शन रखा है, ताकि इसको आप रिव्यू पे डाल दीजिए, आगे बढ़िए और आगे बढ़ते जाइए। पहले अपना पूरा पेपर ख़त्म कीजिए, उसके बाद जितना सोचना है, विचार करना है, जितना ज़्यादा आपको सोचना है, गहनता में जाना है, गोते लगाने हैं आपको ज्योग्राफी के ज्ञान के, वो आप बाद में लगाना, व्हेन यू हैव डन द एंटायर क्वेश्चंस, जितने आपने 150 क्वेश्चंस कर लिए थे, उसके बाद वो सारी चीज़ें करनी है। तो बिलीव इन द प्रोसेस, नॉट ऑन द आउटकम। कल आपको बस यही सोचना है, द ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट, इंडियन क्रिकेट माइंडसेट तो अभी आना बाकी है। ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट जो है वो स्टैंडर्ड है, बेंचमार्क है। दे थिंक अबाउट द प्रोसेस, नॉट अबाउट द आउटकम। व्हेन दे गो आउट एंड दे व्हेन दे गो आउट इन एनी टूर्नामेंट, दे थिंक अबाउट विनिंग एवरी गेम, नॉट अबाउट, दे डोंट थिंक अबाउट विनिंग द टूर्नामेंट फर्स्ट। दैट इज़ द थिंग दैट यू ऑल नीड टू इम्बाइब। बस यही आप ध्यान रखें। इसके बाद और अटेम्प्ट भी आएंगे, कल का एग्ज़ाम जैसा भी होता है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, एक हम सेशन लेंगे उसके बाद, क्योंकि समय कम था तो मैं नहीं ले पाया सेशन। कल के बाद फिर हम एक सेशन लेंगे और वो सब चीज़ें डिस्कस करेंगे, आगे की स्ट्रैटेजी क्या है। पर कल हमें ये ध्यान रखना है कि एग्ज़ाम कैसा होगा ये नहीं सोचना है, एग्ज़ाम में कैसा दूंगा या दूंगी उस पर ध्यान रखना है, राइट? सो ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से करके आइए और फिर कल मुझे अपने रिव्यूज दीजिए, कैसा था पेपर। ऑल द वेरी बेस्ट। यूजीसी नेट ज्योग्राफी के ऑनलाइन कोर्स जो आपके फोन में चलेगा, तो आपको एक टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ऐड किया जाएगा। यूनिट 1 से यूनिट 10 तक सारे कोर्स वीडियोस और उसके पीडीएफ इस तरह से आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अब लेट्स सपोज आपको जियोमॉर्फोलॉजी पढ़नी है, आपने क्लिक किया, गूगल ड्राइव सेलेक्ट किया, ज्योग्राफी के सारे वीडियोस एक ही जगह पे आपको मिल गए।